एक बाबा मेरा साथी है, ये क्या हो रहा है? ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहा है, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। एक बाबा मेरा साथी है, एक बाबा मेरा सहारा है, दुनिया जिसको ढूंढती है। पता नहीं ढूंढ दिया नहीं, आंखें बंद मत करो, इन आंखों से किरणें निकलने वाली है, बाबा की किरणें आगे जाएगी, आप कहोगे आंखों से किरणें निकल रही है तो बंद हो गया। हाँ, दुनिया जिसको ढूंढती है, हो गया अब मेरा है। सच में बाबा आपका है, इतनी खुशी है। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे, हाँ बाबा मेरे साथ। एक बहन जी हमें कहती है, भाई साहब पूछो मत, मेरे को इतनी खुशी है। मैंने कहा चेहरे से तो नहीं दिख रहा, चेहरे से दिखना जरूर थोड़ी है, जो है अंदर है वो तो है। अच्छा, जो अंदर है वो बाहर दिखेगा या नहीं? बच्चा के पेट में दर्द होता है, माँ को पता चल जाता है बेटा क्या हो रहा है तेरा, हाँ या नहीं? और हम कहते हैं मुझे बहुत खुशी है चेहरे से दिखे, चलेगा? अरे जो अंदर है वो चेहरे में छलकेगा, चेहरा ऐसा दर्पण है, सबको पता चल जाता है क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, हाँ या ना? तो आप सब, कोई बच्चा ज्यादा फटाफट नजर आती है, आखिर कौन बच्चा है, थोड़ा सा कंट्रोल करो ना माता जी, ये अगर अभी से कंट्रोल किया तो आपको योग में बहुत मदद मिला है। कल की शांति क्लास एंड क्लास तक जब आप सुनोगे कि सिद्धि स्वरूप बनने की तरीका थोड़ी सी क्या करनी चाहिए, ये बहुत कंट्रोल, इसलिए बार बार मैं अटेंशन दिला रहा हूं, नहीं तो अगर अभी से ढिला छोड़ेंगे ना ऐसे बेहतर हो। क्या बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, मुझे जिस लक्ष्य से मैं यहाँ आया हूँ, बाबा और मैं और जो नया सब्जेक्ट है मेरा, ये फरिश्ता स्वरूप बनने की, उसको पूरा पूरा हासिल करनी है। पक्का? पक्का? तीन बार बोलो ना जो नहीं आए वो भी बोलो, तीन बार पक्का पक्का बोलना, पक्का। तो बाबा हर समय मेरे साथ है, उनकी किरणें बरस रही है 24 घंटा, चलते फिरते आंखों से किरणें निकल रही है, किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, आंखों से जा रही है। सुबह उठ के एक बार जरूर करना, दिन भर देखना असर कैसा रहेगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे, सुखदायी बच्चे, सबको सुख देने वाले हैं, भाग्यवान बच्चे, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। किसके साथ है भगवान? मेरे चलो बता बताओ, इतना ही है ना, थप्पड़ खाया लगता है, आप उठा लो ऊपर, हाँ भगवान मेरे साथ है। वाह वाह। अच्छा, बाबा को और कोई पसंद नहीं है, मैं ही पसंद आया क्या? बोलो, बाबा को मैं ही पसंद आया? आपको पसंद आया बाबा? उठा बोलो बाबा, आप माता जी, हाँ आप नहीं उठा रहे, इधर उधर देख रहे हो, हाँ बोलो बाबा ने मुझे पसंद किया। किस लिए पसंद किया? देवता बनाने के लिए। और बाबा की अरमान, सबसे बड़ा जो अरमान है कि इस बच्चे के द्वारा मैं संसार में प्रत्यक्ष होना चाहता हूं। बाबा को और कोई नहीं मिला, सात सौ करोड़ आत्मा में। आज दुनिया में अगर किसी से अपने बेटे से बेटी को शादी करानी है तो नेट में डालते हैं, है ना, कि देख लो उसकी पूरा लिस्ट, बायोडाटा ठीक है या नहीं, पैसा वैसा कमाता है, चरित्रवान है, ठीक ठाक है, हाँ या ना? इसका पैर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, नाक टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है,
आते से ठीक सब कुछ देख के शादी कर ले या ऐसे ही लेके उठा लेते। तो बाबा ने भी बड़े गौर से ध्यान से देखा, ये विशेषता है संपूर्ण आत्मा मेरी सजनी कौन है। बड़ी खुशी हो रही है, भगवान ने सिलेक्ट किया। अच्छा एक छोटा सा कहानी में सुनाता हूं, ये सत्य घटना की तरह है। एक जंगल में, क्या बोला, क्या बोला, एक जंगल में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में चार लोग रहते, एक बेटा है, एक बेटी है और माता पिता। पिताजी रोज जाते थे, लकड़ा काटते थे, और राज्य में बहुत पुरानी बात है, राज्य में लकड़ा बेचते थे, जो भी पैसा मिलता था, रत्न मिलते थे, उसी में अपनी गुजारा करते थे। उनकी बेटी भी बड़ी हो गई, बेटा भी बड़ा हो गया अभी, लेकिन जंगल में ही छोटे मोटे काम करते थे। इधर राज्य में बहुत बड़ा राज्य है, जंगल दूर था, ये जंगल में रहने वाले थे, लेकिन राज्य में राजा बहुत ही सबको सुख देने वाला राजा था। कौन सा राजा था? मैं कोई दुख की स्टोरी थोड़ी सुना रहा हूं। कौन सा राज्य था? सुख का राज्य। लेकिन अचानक राज्य में राजा को कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण वो बीमार पड़े। बीमार पड़ने से पहले उन्होंने कई प्रकार की ट्रेनिंग अपने राजकुमार को दिए हुए थे कि मेरा राजकुमार, अगर मेरा कुछ हो जाए आगे चल के, ताकि राजकुमार बड़ा हो गया था ताकि वो राज्यभार संभाल सके। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज बाकी थी जो उनको सिखाया नहीं गया था, जैसे जंगल में जाना, शिकार करना, निर्भय बनना, साहसी बनना जरूरी है या नहीं। बाबा हम बच्चों को बोलता है माया से जो डर गया, डरा हुआ कैसे चेहरा होता है उसका? आप डरे हुए हो क्या? देखो बहन जी कैसे उठ रही है, बड़े ध्यान से देखो, माता जी कितने प्यार से देख रही है। कोई जरूरी नहीं है माता है, बिल्कुल मत देखो, कोई जाता है जाने दो। तो उस जंगल में ऐसे ही एक शुभ अवसर आया, अच्छा अवसर, कि जंगल में राजा ने अपने बेटे को भेजा, राजकुमार को बेटा भेजा कि जाओ तुम सीख के आओ कि जंगल में कैसे शिकार किया जाता है। बाबा ने ज्ञान की मुरली सुनाई, योग भी सिखाया, अभी माया से लड़ेगा कौन? नहीं नहीं बाबा, थोड़ा तुम मदद करो। बाबा मदद करने के लिए तैयार है, बाबा कहता है किरने लो और दो। नहीं नहीं बाबा, मेरे विघ्न को तुम समाप्त करो। बाबा करेगा या मैं करूंगा? नहीं नहीं, मेरा तो संस्कार पड़ा हुआ है ना भक्ति में, मैंने तो गणेश से काम करवाया, हनुमान से भी काम करवाया, अगरबत्ती सुगा सुगा के रोज 100-100 अगरबत्ती लगाए उसके नाक के सामने, मेरा काम जब तक तो पूरा नहीं करेगा। इतना सिंदूर डाला वो सिंदूर के अंदर भी पोत गए, जब तक मेरा काम नहीं करेगा, धागा इतना बंधूगा पेड़ भी सूख जाएगा। भगवान कहता है मेरे भले बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनके मन का नहीं, इन मूर्तियों के द्वारा भी पूर्ण किया है बाबा, लेकिन अभी अंतिम समय पे बाबा क्या चाहता है, मेरे बच्चे मेरे समान बने, बने बने निर्भय बने। जैसे राजा ने उस बच्चे को भेजा जंगल में जाओ, लेकिन फिर भी जंगल में भेजने के साथ साथ अनेक सैनिकों को भेजा साथ में। देखो कोई भी बातें होती है हमारे यज्ञ में, बाबा ने सिर्फ मुरली सुना के आपको छोड़ नहीं दिया, हमारी आदरणीय दीदियों को साथ में रखा है, प्यार पालना, शक्तियां कैसे भरनी होती है, अगर आपने कोई ऐसी बातें छुपा ली तो वो माया हड़प कर लेगी आपको, लेकिन अगर आपने सजेशन लिया, तन मन धन से सेवा की तो आप आगे बढ़ जाओगे, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बाबा जो कहता है मुझे वो करना,
तो जंगल में कभी गया नहीं था राजकुमार, जैसे राजा ने बोला तुम जाओ जंगल में, तो हाँ जी कहा। क्या बोला? हाँ जी बोला। बहुत अच्छा, पहली बार भी मुझे सुनाई गया ना, आगे बार तो बोली नहीं गई। बोलो हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा। तो राजकुमार गया जंगल में, तो कुछ सैनिक उसके साथ थे और साथ में सेनापति भी था। सेनापति ने कहा एक तरफ मैं जाता हूं, एक तरफ राजकुमार को भेज दिया जाएगा। तो राजकुमार को भेज दिया। राजकुमार के पीछे कुछ सैनिक थे, सेनापति के पास कुछ सैनिक थे, दोनों उन्होंने से ये इधर बढ़ गया ये इधर बढ़ गया, तो तुरंत एक हिरण मिल गया उसको। किसको? देखो सबको पता है, मैं बोलने से पहले पता चल जाता है क्योंकि हम सब सुने हुए कहानी ऐसी कहानी बहुत सारी होती है। तो वो राजकुमार हिरण के पीछे इतना तेजी से भागा, देख के भागा, लेकिन हिरण तो जंगल में इतनी तेजी से दौड़ा और ये पहला शिकार था उसका, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। राजकुमार वो सैनिक से छूट गया काफी दूर। जब वो लौट के देखा सैनिक भी नहीं दिखाई दिया, हिरण भी नहीं दिखाई दिया, लौटने की कोशिश की लेकिन जंगल में भटक गया। सतीक में आए थे ना सभी, उसी से आए थे, लेकिन दुनिया की जंगल में हम भटक गए। भटक गए या नहीं? लेकिन जब बाबा मिल गया, जो प्यासों को पानी मिल जाता है कितने कितना अच्छा लगता है। अभी तो अच्छा लग रहा है या नहीं? हाँ बड़ा अच्छा लग रहा। तो ऐसे ही वो जंगल में भटकते भटकते उसको प्यास लगने लगी। अभी शाम होने लगी थी, पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक दूर से शाम ढल रही थी, झपड़ी दिखाई दिया। कौन सी झपड़ी? वही जो एक परिवार रहता था। तो आया बड़े निराश सदा सोके घोड़े से उतरा, उतर के बोला कोई है? बोला क्या चाहिए? अंदर से आवाज आई, बड़ा मीठा आवाज थी, बड़ी मीठी आवाज थी। क्या बोलो ना सर, इतनी मीठी क्या चाहिए? हाँ बोला एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ पानी ला के दिया। एक्चुअली उसी दिन की बात है, उनके जो घर में पिताजी हैं वो अपने बेटे को लेके गए थे जंगल में लकड़ा काटने के लिए, उनको भी सिखा रहे थे कि लकड़ा काटना चाहिए। इधर माँ और बेटी, माँ थोड़ी सी बीमार थी और बेटी घर में थी अकेली, जब पानी मांगा तो बेटी ने लाके दी, तो बेटी को राजकुमार ने देखा और पानी पी लिया। प्यास तो बुझ गई थी लेकिन मन में दूसरी प्यास बढ़ गई कि कितनी सुंदर है ये, कितनी अच्छी है जंगल में। लेकिन कुछ बोला नहीं उसने, बोला मुझे थोड़ा राह मिल जाएगा, मेरा रास्ता भटक चुका हूँ। बोला हाँ मेरे पापा भैया आ रहे होंगे, बोले आपको ले जाएंगे। तो आए उन्होंने राज्य की ओर दिखा दिया, लेकिन इससे पहुंचने से पहले जिस राजमहल में राजकुमार गुम हो जाए कैसा भाई दर्शन होगा? वहां दुख हो गए या नहीं? थोड़ा एक्सप्रेशन करके बताओ। लेकिन उस राज्य में शोक मना रहे थे, राजकुमार गायब हो गया, पता नहीं किसने खा गया, कुछ हो गया। लेकिन उसी समय राजकुमार जैसे पहुंच जाते हैं, इतनी खुशी होगी, वाह मेरा बेटा लौट के आया कुंभ मेला में, भटक गया था, खुशी होगी या नहीं पता? हाँ जी तो बोलो ठीक से। बिछड़े हुए बच्चों को बाबा, कितनी खुशी हो रही है बाबा को मिल के, बहुत खुशी हो रही है। चिंता मत करो भाई साहब, आप तो इतनी खुशी हो रही है बाबा को ना, खुशी हो रही है। तो ऐसे ही खुशी तो वहां हुआ, लेकिन इसको ऐसी प्यास बढ़ गई थी अर्थात बीमारी लग गई थी, पता नहीं खाना नहीं खाया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। चलिए 3 मिनट योग करते हैं, मुस्कुराते हुए बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, सर्वशक्तिवान बाबा परम धाम से गाना बज रहा था योग लगा रहे।
जैसे ही मुरली में पूजा होती है, दादी जी हमारी कहती है भाई योग लगाना है 3 मिनट। चेहरा बिगाड़ना शुरू, मैं देख रहा था, दृष्टि दे रहा था, ये अनुभव कर रहा था, बीच में बोला तो माइक साहब बंद हो गया था कि आंखों से किरण नहीं आ रही थी। थोड़ी समय के बाद माया की दूसरी बात याद आएगी। अगर मुस्कुराहट जहाँ एक्सरसाइज है, रक्त की संचालन है ना, वहां नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले योग करते समय बाबा कहते बड़े प्यार से याद करो, अर्थात मुस्कुरा के याद करो। पक्का 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 पक्का। तो राजकुमार को भी खाना अच्छा अच्छा दिया गया, लेकिन राजकुमार खाया नहीं, बोला भूख नहीं है। पहला दिन रात को सो गए, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरा दिन नहीं खाया। आखिर क्या हुआ? बहुत सारे वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने देखा नस नाड़ी सब कुछ देखा, बोला तन तो इसका ठीक है, ये तो मन की बीमारी है, तन की बीमारी नहीं है ना। कभी कभी दुनिया में भी हम सभी आत्माओं को अनुभव है कि कई प्रकार के मन की बीमारी हो जाती है, और जब मन की बीमारी रहती है तो मन से ही ठीक होता है। हाँ जी या नहीं जी? हाँ जी। तो इस एक वैद्य ने राजा को बोला, देखिए आपकी पुत्र जो है उसका जो सबसे करीब है, जो दोस्त साथी होगा, उसी को ही आप मन की बीमारी बता सकता है। तो राजा ने कहा मैं तो हूँ उसका सबसे अच्छा दोस्त की तरह रहता। बोला तो फिर आप भी जाके पूछो, बाबा मेरा दोस्त है। कितना अच्छा सुखा सुखा के बोला, ठीक है बाबा मेरा दोस्त है। तो जैसे ही राजा जाता है, जाके पूछते हैं बेटा क्या हुआ, तुझे कोई प्रॉब्लम है, खाना क्यों नहीं खा रहा है? बोला वो जो मैं जंगल में गया था ना उस दिन शाम के समय, क्या भूत भूत लगी क्या, डर गया? बोला नहीं कोई भूत डर नहीं लगा, उस दिन मैं भटक गया था, एक झोपड़ी के पास गया तो वहां क्या हुआ उनको, बोला राजा डर गया कोई ऐसे। बोला नहीं वहां एक कौन परी रहती है, तो मुझे जंगल में झोपड़ी के अंदर कौन सी परी रहती है। राजा ने सोचा, बोला नहीं मुझे तो अगर शादी करनी है तो उससे ही करनी है, क्योंकि प्यार हो गया था पहली नजर में। या नहीं? हाँ जी बोलो। बहुत अच्छा। तो इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम मेरे एक ही मात्र पुत्र है, तुम्हारी हर मनोकामना है, वो कोई इंसान ही होगा, कोई दूसरे तो होगा ही नहीं, ठीक है उससे शादी कर लिया जाएंगे। तो दूसरे दिन राजा क्या करते हैं, बहुत सारे उपहार लेके बोला उन्हें कि पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के लिए चले तो जंगल में भटक जाता, चलो हमारी बहुत एहसान है उनका, तो हम ये जरूर पूरा करेंगे, तेरे मन की इच्छा को पूरा करेंगे। बाबा हमारे मन की इच्छा पूरा करता है या नहीं? लेकिन जब इच्छा पूरी होगी वो तब होगी जब हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। हाँ या नहीं? या मन मत? तो इसी तरीके से राजा ने फटाफट क्या किया, बहुत सारे उपहार लेके चल दिए कुछ सभी के साथ जंगल की ओर। उसी दिन उसका नाम था नाथुराम। तो राजा को तो पता था कि पूछ लिया कि इसके जंगल में जो रहता है उसका नाम क्या है। तो उनके पास जब जाके पहुंचे, पहुंचने से पहले थोड़ी दूर में राजा हाथी घोड़े के साथ आ रहे थे, ये दूर से देख के जंगल की झाड़ी में छुप गया। क्यों? डर गया। कभी कभी हमारे सामने ऐसे नजारे आते हैं, हमें लगता है पता नहीं अब क्या होगा, ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ भगवान है, लेकिन हम अर्जुन तो है लेकिन घबरा जाते हैं कभी कभी। ये भी पता चलता है कि जो तूफान आया है हमें तोहफा देने वाला है। हाँ या ना? बाबा कहता है हर तूफान आपके लिए एक तोहफा है। वो योद्धा वो राजा अगर मैदान पर उतर जाए लड़ाई करने के लिए, लेकिन कोई भी लड़ाई करने के लिए आया नहीं, तो
तो क्या वो विजयी कहलाएगा? हाँ? मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरे सामने कोई विकल्प नहीं आने चाहिए। एग्जाम में बैठा हूं, प्रश्न पेपर एग्जाम मत दो, बस व्हाइट पेपर दे दो, उसी को ले लो, मैं पास हो जाऊंगा, चलेगा? एग्जाम पेपर आना चाहिए या नहीं? तो विघ्न आना चाहिए या नहीं? जितना विघ्न उतनी शक्तिशाली। तो इतना बड़ा राजा की जो हाथी घोड़ा देख के पता नहीं आज मेरी झोपड़ी उखाड़ देंगे, कल मेरे बेटे को छोड़ा था। कभी कभी अच्छे में भी हम नेगेटिव सोच लेते हैं, जबकि नेगेटिव में भी हमें अच्छा सोचना चाहिए। इसलिए एक आदत डाली है, बढ़िया। बहुत धीरे से बोल रहे हो, बढ़िया। थोड़ा चेहरा चेहरा बढ़िया। चोट लगी? सिंदर हुआ? सच में माता जी को 13 साल से इतनी ज्यादा सिरदर्द माइग्रेन था। महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, 13 साल तक माइग्रेन में सिरदर्द तड़प रही थी। उनको मैंने बोला, आकाश की जो तत्व है, नीला रंग की किरण सर्व शक्ति का रंग है, जो अमेरिका का साइंटिस्ट भी इसके ऊपर काफी रिसर्च किए हुए हैं। अब नीला रंग की किरणों की बाबा से नीला रंग सर्व शक्ति की किरणें पड़ रही है, और हर समय एक शब्द यूज करो, क्या? आप देखो कितना बढ़िया होगा, मुस्कुराएगा। सचमुच 3 दिन की भर्ती के अंदर उसका गायब हो गया था। ये एक जगह का अनुभव नहीं, कई जगह का अनुभव मैं बताऊं, सच नहीं, दिल से बता रहा हूं। तो ऐसे ही जब राजा आया तो झाड़ियों में छुप गया, लेकिन राजा उतर के वो झपड़ी के पास बोलते, नाथुराम जी हैं, हम उनको एक विनती प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जब ये शब्द सुना वो फटफट करके झाड़ी से आ गया। विनती प्रार्थना मेरे से राजा? बोलता है, प्रणाम, आपके पैर छूता हूं, आप जो हुक्म करोगे। बोले, नहीं, पैर छूने की नहीं, आप गले लगने के काबिल हैं। बाबा हमें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। नहीं, हमें तो बाबा मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पाऊंगा, नहीं हुआ मैं नहीं। बोलो, मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब किसी को पिटाई करना था ना, ताकत कहाँ से आती है पता नहीं, यूं उड़ जाता है, हाँ या ना? अभी जब मैं कर सकता, हाँ मैं कर सकता हूँ। थोड़ा ऐसे बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सबको सम्मान दे सकता हूँ, मैं अच्छा बन सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऐसे ही हुआ है, नाथुराम आया, उसने बोला, आप गले लगने के काबिल हो, मैं आपसे विनती प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बहु बनाना चाहते हैं, रानी बनेगी राज्य की, क्या आप तैयार हो? तैयार हो गए या नहीं? कितनी खुशी होगी बाप को। हाँ, ये बातें बेटी को भी पता चला, बेटे को भी पता चला, माता जी को भी पता चला। चारों से ज्यादा खुशी किसको होगी? राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट किया मेरी बातों को। बाबा ने कहा, डील हो गई कि आप आत्मा समझ के मुझे याद करना, स्वर्ग आ ही जाएगा, डील हो गई ना? पहली खुशी मत किए, तैयार हो ना? चलो लो भाग। जितने हाथी घोड़े में जितने सोना वोना जो भी लाया था उनको देख के ठीक हो गया। 21 दिन के बाद बेटी का शादी होगी। इस 21 दिन के अंदर सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपको बताओ, बाप को, बेटी को। तो इस कलयुग की दुनिया में, इस कलयुग जंगल में भगवान सर्वशक्तिमान शिव बाबा विश्व का मालिक आया, देखा मुझे ये पसंद है। कौन कौन बोलो, मैं पसंद, हाथ उठा लो भाई, मैं पसंद, भगवान ने मुझे पसंद कर लिया। बस थोड़ी अभी 18 साल भी नहीं रहा, 17 साल हो गया, संगम पूरा होने वाला है, सत्य पाने ही वाला है, और देखो मैं कितना खुश हूं। कहां जा रहे हो? अरे भाई, भगवान ने मुझे सिलेक्ट कर लिया,
जब किसी की नौकरी लग जाती है, 50,000 लोग आए होंगे, उसमें से 500 लोगों का नौकरी लग गई और उसका नंबर आपका है उसके अंदर, आप घर में ऐसे आओगे, मेरा ना नौकरी, मेरा ना नौकरी, कौन सा एक्शन होगा वो? ये एक्शन ही संस्कार बनता है। क्रोध किया तो उसका संस्कार बना, और क्रोध का कितना बड़ी बड़ी आंखें हमने करी, आईब्रो बिगड़ गया था, गाल सिमट गया था, नाक भी चूहे की तरह हो गया था, होंठ भी थर्रा रहा था, खून काले हो गए थे, हाथ अलग अलग ढंग से, ये सब संस्कार बना के हमने रावण की सर्टिफिकेट लिए हैं। अभी भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, क्या इतनी खुशी है? 2 मिनट में कोई घटना सुनाता हूँ। हाँ जी, बहुत खुशी है।